सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हां, सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम को अधिकार नहीं कि वो किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा सके। जनता सब देख रही है, ये वादे इन्हें ही ले डूबेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से अपनी हर जनसभा में, अपनी हर प्रेस वार्ता में लगातार पीएम मोदी पर जमकर प्रहार करते नजर आए, और इसी तरह से अब एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत ने एक प्रेस वार्ता में भी चुनावी मुद्दों को लेकर जो प्रेस वार्ता की गई उसमें भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और ये भी कहा कि पीएम को कोई अधिकार नहीं कि वो किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए। यानी उनका सीधा तौर पर इशारा था कि वो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पर कोई भी किसी भी तरह के आरोप नहीं लगा सकते हैं, ये कोई अधिकार पीएम मोदी को नहीं है। आपको बता दें, प्रेस वार्ता चुनावी मुद्दों को लेकर की गई थी और इस प्रेस वार्ता में पीएम मोदी पर एक बार फिर से जमकर प्रहार किए और ये भी कहा कि पीएम को कोई हक नहीं कि वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर किसी भी तरह के कोई आरोप लगा सके। और ये प्रेस वार्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी मुद्दों को लेकर की थी और चुनावी मुद्दों के साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किए और पीएम को कोई अधिकार नहीं कि वो किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही ये भी कहा कि जनता सब देख रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता की और चुनावी मुद्दों को ये प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता में पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किए और साथ ही ये भी कहा कि पीएम को कोई हक नहीं कि वो किसी राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा सके, और ये भी कहा कि जनता सब देख रही है और उनके वादे, उनके जुमले इन्हें ही ले डूबेंगे। यानी कि उनका सीधा और साफ तौर पर इशारा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ था। उनका इशारा था कि लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है, इनके जुमले और इनके वादे इन्हीं को ले डूबेंगे। ये प्रेस वार्ता चुनावी मुद्दों को लेकर की गई और चुनावी मुद्दों के साथ साथ मौजूदा केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि पीएम को कोई हक नहीं कि वो किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा सके। सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के जरिए एक बार फिर से पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि अभी भी ये प्रेस वार्ता चल रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद है। आज सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने पीएम पर जमकर प्रहार किए और हम लगातार आपको इस खबर पर अपडेट करते रहेंगे क्योंकि ये प्रेस वार्ता अभी तक चल रही है। चुनावी मुद्दों को लेकर ये प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता में पीएम मोदी पर जमकर बरसे प्रदेश के मुखिया। कहा कि पीएम को कोई अधिकार नहीं कि वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इस प्रेस वार्ता में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद है। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे क्योंकि ये प्रेस वार्ता अभी भी जारी है और क्या कुछ निकलकर इस प्रेस वार्ता में बाहर आता है हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि चुनावी मुद्दों को लेकर ये प्रेस वार्ता की गई प्रदेश के मुखिया की तरफ से। और इस प्रेस वार्ता के जरिए एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और ये भी कहा कि इनके वादे और इनके जुमले इन्हीं को ले डूबेंगे। और साथ ही ये भी कहा कि 70 साल में क्या किया ये जुमला उनको ले डूबेगा। उनका सीधा इशारा था कि कांग्रेस ने 70 सालों में बहुत कुछ विकास किया है और ये जो जुमलेबाजी और ये जो झूठ मोदी जी ने जनता से वादे किए वो इन्हीं को ले डूबेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस प्रेस वार्ता में कह रहे हैं कि मोदी जी हमेशा ही असत्य बोलते हैं और साथ ही मजाक के अंदाज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मोदी जी और इनके जुमले, इनके असत्य इन्हीं को ले डूबेंगे। और एक बड़ा आरोप यह भी लगाया
कि लोकतंत्र और देश का संविधान दोनों ही मोदी के कार्यकाल में खतरे में है। चुनावी मुद्दों को लेकर ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत, और साथ ही जो चूंकि 29 अप्रैल को राजस्थान में प्रथम चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए गए, तो इसके बारे में भी सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। और साथ ही यही भी दावा किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि इस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हुए हैं। प्रेस वार्ता कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी मुद्दों को लेकर, और साथ ही प्रथम चरण के चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस के पक्ष में कहीं अधिक वोटिंग की गई और मोदी पर जमकर प्रहार किया। और साफ तौर पर प्रेस वार्ता में ये कहा कि मोदी राज में कई संस्थाएं दबाव में चल रही है, और ये भी कहा कि लोकतंत्र और देश का संविधान दोनों ही मोदी के कार्यकाल में खतरे में था। प्रेस वार्ता में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रथम चरण में चुनाव शांतिपूर्ण से संपन्न हुए और सभी मतदाताओं का मैं धन्यवाद देता हूं। और ये दावा भी किया कि प्रथम चरण के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग बढ़ी है, क्योंकि हर बार भाजपा की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि 70 सालों में आखिर क्या विकास किया। तो इस पर भी इस प्रेस वार्ता में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 70 सालों में कांग्रेस ने बहुत विकास किया, और ये जुमला ये झूठ पीएम मोदी को ले बैठेगा। और ये भी कहा कि पीएम को कोई हक नहीं कि वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा सके। इस प्रेस वार्ता में उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी उनके साथ इस प्रेस वार्ता में मौजूद नजर आए। हम लगातार आपको इस खबर पर अपडेट कर रहे हैं। चुनावी मुद्दों को लेकर चूंकि ये प्रेस वार्ता की गई, और इस प्रेस वार्ता में राजस्थान में प्रथम चरण में जो चुनाव हुए उसके लिए सभी मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया प्रदेश के मुखिया ने, और साथ ही ये भी दावा किया कि प्रथम चरण के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में कहीं अधिक फीसदी मतदान हुए हैं। और चूंकि हमेशा से ही प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत मोदी पर आरोप लगाते हैं, और इसी तरह से आज भी उन्होंने जमकर प्रहार किए और ये भी कहा कि मोदी जी ने जो जनता से झूठे वादे किए, जो असत्य बोला, जो जुमलेबाजी की, ये सब उन्हीं को ले बैठेगा। उनका इशारा था लोकसभा चुनाव 2019 की तरफ, उनके नतीजों की तरफ, और साफ तौर पर यह भी कहा कि पीएम मोदी अब दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कहा कि मोदी जी अगले प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, यानी ये दावा किया कांग्रेस के प्रदेश मुखिया ने। और एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रेस वार्ता में कहा कि लोकतंत्र और देश का संविधान दोनों ही पीएम मोदी के कार्यकाल में खतरे में है, और कहा कि आरएसएस को अब राज का मजा आ गया है, आरएसएस और भाजपा का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं, वो लोकतंत्र के मुखौटे पहनकर राज करना चाहते हैं भाजपा और आरएसएस। और साथ ही इन 5 सालों के कार्यकाल के बारे में कहा कि मोदी जी ने जनता को गुमराह किया है, और कहा कि मैं राजस्थान का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, मेरा दायित्व बनता है कि मैं सच के साथ रहूं, मैं जनता तक सच्चाई पहुंचाऊं। और साथ ही चूंकि हमेशा ही आरोप लगाते हैं सीएम अशोक गहलोत की नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, ना काला धन वापस आया, और साथ ही बुलेट ट्रेन का जिक्र भी किया कि बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, अच्छे दिनों का क्या हुआ, जो जो जुमले भाजपा में किए गए वो सब धरे के धरे रह गए। और चूंकि भाजपा ने यह भी दावा किया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, तो इस पर भी आड़े हाथों लिया भाजपा को। हम लगातार आपको इस खबर पर अपडेट कर रहे हैं क्योंकि ये प्रेस वार्ता अभी भी जारी है। प्रेस वार्ता में सीएम अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। क्योंकि अभी 29 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए राजस्थान में, तो इसके लिए सभी मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और साथ ही ये दावा भी किया कि प्रथम चरण के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग अधिक हुई है।
सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा से ही असत्य बोलते हैं और इनके जुमले इनके असत्य इन्हीं को ले बैठेंगे। यहां पर एक बड़े ही मजाकिया अंदाज में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मच्छर को कपड़े पहनाना और मोदी जी से सत्य बुलवाना दोनों ही असंभव है। सीएम अशोक गहलोत इस प्रेस वार्ता में बहुत ही मजाकिया अंदाज में पीएम पर प्रहार किया और ये कहा कि मच्छर को कपड़े पहनाना और हाथी को गोद में उठाना और पीएम मोदी से सत्य बुलवाना दोनों ही असंभव है और साफ तौर पर भाजपा के कार्यकाल के लिए कहा कि देश में तानाशाही का राज रहा है। मैं राजस्थान का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि मैं सच बताऊं, जनता तक सच पहुंचाऊं। और सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे भाजपा से कुछ सवाल है, काला धन वापस कहां से आया, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, महिलाओं को 33% आरक्षण का क्या हुआ, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ। ये सवाल प्रेस वार्ता के जरिए सीधे पीएम मोदी से पूछे सीएम अशोक गहलोत ने और साथ ही ये भी कहा कि चीन थर थर कांपा क्या, मतलब समझ सकते हैं आपकी नक्सलवाद की तरफ इशारा था, आतंकवाद की तरफ इशारा था,